आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल नेहास किचन में। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैरेट कपकेक की एक बहुत ही हेल्दी और इजी रेसिपी। तो इसके सारे सीक्रेट्स जानने के लिए आप ये रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ले लें 1 और 1/4 कप गेहूं का आटा, या फिर कहें कि 1/4 कप गेहूं का आटा। तो रेसिपी में मैं जितने भी मेजरमेंट यूज कर रही हूँ आप उसके लिए मेजरमेंट कप और स्पून का ही यूज करिएगा। अगर आपको ये कप केक मैदा का बनाना है तो आप यहाँ पर मैदा भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो कोई भी मीठी चीज में अगर आप एक चुटकी नमक डाल दें तो उसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस होता है, तो नमक डालना यहाँ पर ऑप्शनल है। तो इसमें एक चुटकी मैंने नमक डाल दिया और उसके बाद आपको इसे अच्छे से छान लेना है। तो कोई भी कपकेक या फिर केक बनाते वक्त अगर हम आटे को थोड़ा सा छान लें तो उसमें एरेशन बहुत अच्छे से आता है और उसमें कोई लम्स भी नहीं पड़ते हैं। तो सारी रेसिपी आपको इसी तरीके से टिप्स और सीक्रेट के साथ मिलते रहे उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आटा छन कर रेडी हो चुका है, इसे अब हम साइड में कर लेते हैं और अब आते हैं हम दूसरी चीज की प्रिपरेशन के लिए। तो एक बाउल में हम 1 कप दही ले लेते हैं। तो दही काफी ठीक हो तो ज्यादा अच्छा है, अगर आपके दही में पानी बहुत है तो आप उसे छान लें। और फिर उसमें आप डाल दीजिए 3/4 कप शक्कर। अगर शक्कर बहुत ही मोटे दाने वाला है तो आप उसे पीस के डाल सकते हैं। और उसके बाद हमें इसे तब तक अच्छे से विस्क करना है जब तक दही और शक्कर अच्छे से मिक्स ना हो जाए और शक्कर इसमें पूरी तरीके से घुल जाए। तो ये करने में 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। तो ये अच्छे से देखिए शक्कर और जो दही है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है और जो शक्कर के दाने हैं वो अच्छे से इसमें घुल चुके हैं। और उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1/4 कप तेल। तो यहाँ पर आप वेजिटेबल ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल यूज कर सकते हैं। और इसे भी हमें फिर से अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो तेल है वो अच्छे से दही और शक्कर के साथ मिक्स हो जाए। आप चाहे तो इसमें 1/4 कप बटर भी डाल सकते हैं, पर कप के ठंडा होने के बाद वो उतने सॉफ्ट नहीं होते क्योंकि जो बटर है वो उसमें जमने लग जाता है। तो हो सके तो आप इसमें ऑयल का ही यूज करिए। तो तेल, दही और शक्कर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो बाउल को आप किनारे से भी अच्छे से क्लीन करिए ताकि हर चीजें अच्छे से एक साथ मिक्स हो जाए। और उसके बाद जितने भी हमने ये जो आटा, सोडा और बेकिंग पाउडर रेडी करके रखा है छान कर, वो आप इसमें आधा आधा करके मिक्स करते जाए। तो इसे मैं आधा आधा करके इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना आए। तो इसे हाफ कट मेथड भी बोलते हैं, आप इसे राउंड करके बीच में इस तरीके से कट करके मिक्स करें। तो केक का जो बैटर होता है उसे भी इसी तरीके से रेडी किया जाता है। तो बाकी का आधा मैं इसमें मिक्स कर ले रही हूँ और इसे आपको हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स करना है। आप इसे ओवर मिक्स बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो जो कपकेक है वो अच्छे से स्पॉन्जी नहीं बनेंगे। और फिर उसमें आप डाल दीजिए 3/4 कप बारीक किसा हुआ गाजर। अभी तो गाजर का सीजन है तो आप यहाँ पर लाल वाले गाजर भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो आप इसमें 3/4 कप जो ब्लूबेरी आती है वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो रेसिपी है ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसमें हमने मैदा बटर का भी यूज नहीं किया है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से और हेल्दी बनाने के लिए ड्राई फ्रूट डाले हैं। तो 5 से 6 मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए जिसे मैंने बहुत ही बारीक काटा है। और उसके बाद आप इसमें फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1 TSP वनीला एसेंस और फिर आपको इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो याद रखिएगा आपको इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, बस ताकि जो गाजर है उसमें अच्छे से बैटर लग जाए। तो इस वक्त आप ओवन को 180 डिग्री में प्री हीट करने के लिए रख दीजिए। तो कपकेक की तैयारी हो चुकी है, तो अब आती है बारी इसे कपकेक मोल्ड में डालने की। तो यहाँ मैंने पेपर वाला मोल्ड लिया है और उसके थोड़ा सा मैंने ग्रीस कर लिया है ताकि जो कपकेक है वो इसमें चिपके ना।
तो जो ये बैटर है वो आपको इसमें 3/4 भर लेना है। आप इसे ऊपर तक फुल मत भरिएगा, क्योंकि ये जब ओवन में हम इसे पकाएंगे तो ये और भी ज़्यादा फूलेगा। तो सारे मोल्ड भरने के बाद आप इसे 2 से 3 बार टैप करिए ताकि इसमें से एयर बबल निकल जाए। तो यहाँ इसमें 11 कपकेक बनके रेडी हुआ है, तो ये वाला खाली है, इसे मैं निकाल दे रही हूँ। तो 180 डिग्री में आपको इसे 20 से 22 मिनट तक पकाना है, या जब तक आप इसमें टूथपिक निकालें और वो क्लीन नहीं निकलता है तब तक आपको इसे बेक करना है। तो कपकेक यहाँ ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं और बहुत ही अच्छी इसकी आपको घर में खुशबू आएगी। तो टूथपिक आप डाल के देखिए और देखिए ये बिल्कुल क्लीन निकला, इसका मतलब ये बनकर रेडी हो चुका है। तो आपको कपकेक की इतनी हेल्दी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जल्दी ही मिलते हैं एक और भी अच्छी रेसिपी के साथ।